जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी सबसे ज्यादा बात हो रही है, कुछ तो चुनाव को लेकर बात हो रही है और चतरा लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ की बात करेंगे, अब आजादी के बाद आज तक यहाँ लोकल सांसद नहीं मिला था और अभी सबसे ज्यादा कुछ बात हो रही है तो इसी को लेकर हो रही है। इस बार सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से लोकल प्रत्याशी को भेजने का काम कर रही है। वहीं अभी हम मिलाएंगे कांग्रेस की नेतृत्व है यहाँ पे, हम उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है, सबसे पहले अपना परिचय से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम आभा ओझा हुआ, चतरा लोकसभा क्षेत्र से मैं आती हूँ और मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव के रूप में मैं कार्यरत कर रही हूँ। एक सवाल रहेगा, सबसे पहला सवाल कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां अपनी प्रत्याशी उतार चुकी है फील्ड में, लेकिन अभी तक गठबंधन ने यहाँ अपनी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, महागठबंधन अपना प्रत्याशी दे रही है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव का डेट रखा जाता था उसके बाद प्रत्याशियों को उतारा जाता था। हमें नहीं लगता है कि ये देरी हुआ है और अभी हमारे यहाँ पांचवें फेज में चुनाव है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत अभी समय है प्रत्याशी उतारने में। अभी देखा जा रहा है, आज का ही न्यूज देखा जाए तो गठबंधन में खुद में फूट देखी जा रही है, कहीं राजद कहीं कांग्रेस हो रहा है, कहीं बोला जा रहा है कि राजद का प्रत्याशी नहीं होगा तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सुनने को आ रहा है क्या? ये कुछ ऐसा है नहीं और इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ये कुछ नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि प्रत्याशियों में ये प्रत्याशी जो हमारे यहाँ अगला पार्टी का उतर गया, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, जिसके चलते जनता में एक उम्मीद जग गया है कि कब आवे कि हम खुल के प्रचार करें। बाकी बात रह गई भाजपा को सपोर्ट करने का, तो यहाँ भाजपा है कहाँ? आप ये देख लीजिए ना कि लोग बोलते थे कि बाबूलाल मरांडी ने विलय किया है भाजपा में, लेकिन हमको लगता है कि झारखंड में भाजपा ने विलय कर दिया है जेवीएम से। जेवीएम से आप देखिए, जितना भी चाहे आप हजारीबाग ले लें, चाहे आप चतरा ले लें, चाहे आप और अन्य ले लें, अमरबारी, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप देख लीजिए कि झारखंड में भाजपा विलय हो गई है बाबूलाल मरांडी के सामने, नतमस्तक हो चुकी है। यही बाबूलाल मरांडी जब बोलते थे कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से दौड़ जाऊंगा, और ये उनका ये साबित हो गया कि भाजपा में तो नहीं गए लेकिन भाजपा को भी जेवीएम में ले आए। बाकी बात हम ऐसा तो है नहीं। अभी गठबंधन अपनी प्रत्याशी यहाँ पे नहीं उतारी है, क्या कहना चाहेंगे? सभी स्थानीय प्रत्याशी उतार रहे हैं, अभी तक बता दें आपको कि जेबीकेएसएस ने दीपक कुमार गुप्ता को दिया है, भाजपा ने यहाँ पे कालीचरण जी को दिया है, तो क्या गठबंधन किस कैसे प्रत्याशी को भेजेगी? यहाँ स्थानीय होंगे कि फिर से वो बाहरी? मैं आपके माध्यम से सभी लोग को जानकारी देना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि करीब 3 बार से कांग्रेस पार्टी हमेशा स्थानीय प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। आज भले जो लोग कह रहे हैं कि हमको स्थानीय चाहिए, हमने स्थानीय को दिया है, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको सपोर्ट करने का काम किया और ये एक जुमलेबाजी आकर उनको जिस तरह से इग्नोर किया गया। हमारे धीरज प्रसाद साहू, आपने देखा कि चुनाव लड़े, दो दो बार चुनाव लड़े। मनोज यादव जी आए जो अभी भाजपा में चले गए, वो भी थे प्रत्याशी, लोकल ही थे, वो तो विदेश के नहीं थे, बिहार के नहीं थे, बंगाल के नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है कि जिस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके भावनाओं को और उनके वास्तु स्थिति को समझते हुए प्रत्याशी उतारती है कांग्रेस पार्टी, और लोकल तो शुरू से ही उतार रही है, आज भी उतारेगी। एक सवाल और रहेगा आखिरी में, सवाल कि नई पार्टी अब जेबीकेएसएसआई है जो जेकेएलएम हो गया है, वो दावा कर रही है कि हमारे सुप्रीमो जयराम महतो ने कई सभाओं करके की है तब यहाँ पे स्थानीय सांसद सभी प्रतिनिधि उतार रहे हैं, नहीं तो आज तक बाहरी सांसद यहाँ बनते आ रहे हैं, तो बाहरी को सीट मिलते आ रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे कि ये जो नई पार्टी है जेबीकेएसएस जो उभर कर आ रही है, किस तरह से प्रभाव डालेगी इस चुनाव में? मैं जयराम महतो को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे कहने पर जो प्रत्याशी आए लोकल, मैं तो आपको बता दिया कि आपने देखा कि हम बोल रहे हैं कि हमारे 3 बार से प्रत्याशी लोकल आ रहे हैं, और जयराम महतो को थोड़ा सा रांची पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खूंटी पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा जो संजय सेठ हैं आपके और लोग हैं जो उनके, उनको कहिए कि वहां पे जाके थोड़ा दावेदारी करे, दावेदारी यहाँ ना करे जहाँ कांग्रेस मांग करती है नाम इनका काम वो कर लेते हैं, ऐसा ना करे। अगर झारखंड के लिए वो सोच रहे हैं तो झारखंड के बारे में उस वास्तु स्थिति को सोचना होगा, झारखंड के लोगों के बारे में सोचना होगा, न कि झारखंड के बारे में सोच के अगला को आप सहमति दे रहे हैं, तो ये झारखंड के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पे किस स्थान पे देख रहे हैं जेबीकेएसएस को? हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम एक नेशनल पार्टी से हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, झारखंड के अधिकार को मांग उनको करना चाहिए। क्या लगता है इस बार गठबंधन आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल आ नहीं रही, आ गई है। 14 सीट में हमारा महागठबंधन का पत्ता खुल गया है, 14 सीट में। अब की बार भाजपा से दरकिनार, पूरा ये जनता का नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश का सोच बन गया है कि अब की बार भाजपा से दरकिनार। कहीं ना कहीं 400 पार और जो 14 के 14 सीटों पे कमल खिलाने के जो भाजपा सपना देख रही है वो अधूरा रहने। आप कहते हैं 400 पार, मोदी जी कहते हैं 370 पार, हमको लगता है कि इन लोगों को आभास हो चुका है कि 400 महागठबंधन के लोग हैं और वो बस 180 में ही सिमट के रह जाना है।
बस इसीलिए उनको आभास हो चुका है। अगर 400 पार आता तो इतना इनके बताइए कि पूर्ण बहुमत से 10 साल जिनका यहाँ सांसद रहे, आज उनको बदलने का नौबत क्यों आ गया? अगर वो अच्छा काम किए, अगर वो सब जन जन के नेता रहे तो बदलने का काम क्यों किया? वो खुद जान रहे कि हम काम नहीं किए, जिसके चलते दूसरा प्रत्याशी उतार के वो कहेंगे कि अब की बार हम क्या काम करेंगे। क्या करेंगे आप? जो 10 साल में नहीं कर पाए आप क्या कर पाएंगे? इसलिए एक बस मोनोपोली अपना लिया, कुछ होना नहीं। उनको आभास हो चुका है, और आभास हो चुका है पूरा देश जान रहा है। आप देख रहे होंगे देश नहीं विदेश से भी उनके लिए क्या क्या कमेंट आ रहा है। मैं भी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, और समय आएगा तो मैं आपके माध्यम से करूंगी भी। लेकिन ये जान लीजिए कि 400 पर नहीं, भाजपा से दरकिनार, ये जनता का आवाज है, और जो जनता का आवाज है मैं आपके माध्यम से बोल रही हूं। बहुत अच्छा भी मिला है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार भाजपा 400 पार नहीं, भाजपा से सब हो रहे हैं दरकिनार। कहीं ना कहीं ये तो देखने को चतरा में मिलेगा ही इस बार कि इस बार जो होने वाला है स्थानीय सांसद, जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला था चतरा को, वो कहीं ना कहीं अब इस चतरा के धब्बा को मिटाएगी, और यहाँ पे चतरा में अब स्थानीय सांसद जरूर आएंगे। कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा, और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूँ रवि कुमार, और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।